तो लीजिए आ गई हूँ मैं फिर से आप लोगों के लिए व्रत की रेसिपी लेकर व्रत की कटोरी की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नवरात्रि चल रही है तो आप लोगों ने उपवास भी रखे होंगे अगर आप लोगों ने उपवास रखा है व्रत रखा है तो आपको थकान कमज़ोरी महसूस हो रही होगी और बार बार भूख भी लगती है व्रत में तो अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना गाय जी व्रत की कटोरी आप खाएँगे तो आपको पूरे दिन भूख नहीं लगेगी थकान भी नहीं होगी और कमज़ोरी भी नहीं होगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमने कढ़ाई में डाला है घी तो घी की जगह पे आप थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं पर मैं घी में साइड ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर रही हूँ यहाँ मैंने डाल दी हैं पीनट्स और आमंडस और कैशू तो आप अपने पसंदीदा यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डालकर थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा यहाँ मैंने अभी हमने डाल दिए हैं मखाने तो मखानों को भी हम हल्का सा गोल्डन कलर आने तक सारी चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं करना है ड्राई फ्रूट्स का तो सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं प्लेट में हम निकाल लेते हैं अभी कढ़ाई में डाल दिया है हमने रिफाइंड ऑयल रिफाइंड ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो रफली चॉप किए हुए कच्चे आलू हमने काट कर डाल दिए हैं और इसको हम गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पर हमें ढक कर आलू को कुक नहीं करना है ढक कर आलू कुक करेंगे तो आलू गल जाएंगे एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे तो इस तरीके से क्रिस्पी करके हमें आलू को पका लेना है देखिए कितना क्रिस्पी क्रिस्पी हो गए हमारे आलू और बहुत गर्म है तो इस तरीके से मैंने देखो टच करके देख रही थी बहुत क्रिस्प आ गया है इसमें और जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है सब हम निकाल लेंगे थोड़ा सा ऑयल हमने छोड़ दिया है तो उस ऑयल में हम अपनी ग्रेवी को बना लेते हैं यह हमने डाल दिया है जीरा जीरे का तड़का लगा दिया है कटी हुई हरी मिर्च हमने डाल दी है तो जीरा को और हरी मिर्च को हमने फ्राई कर लिया यह हमने डाल दिया है कटा हुआ टमाटर अगर आप व्रत में टमाटर खाते हैं तो आप डाल दीजिएगा वरना तो स्किप कर सकते हैं बस टमाटर को हम थोड़ा सा गला लेंगे और अभी हम डाल देंगे इसमें साबुदाना तो साबुदाना मैंने यहाँ पे भिगो के रखा हुआ था तो ये देखिए मैंने लिया है साबूदाना यहाँ मैंने इसको भिगो के रखा हुआ था तो एक दो घंटे के लिए भिगो के हमने रख दिया था तो, तो देखिए साइज़ में बड़ा भी हो गया है अगर आप इंस्टेंट साबुदाना ले रहे हैं मतलब भिगा भिगाया आपने नहीं है तो उस रेसिपी को बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा मतलब सात आठ मिनट लग जाएंगे अगर आप इसको साबूदाना को भिगो आप बना रहे हैं ये रेसिपी तो आपकी रेसिपी फाइव मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी डाल दिया हमने यहाँ सेंधा नमक अगर व्रत के बिना आप बना रहे हैं इस रेसिपी को तो नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हैं और बस सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं टमाटर भी गल चुके हैं अब हम यहाँ पर डाल देंगे पानी तो अपने अनुसार हमें पानी डालना है यहाँ पर अगर ज़्यादा पतली आप ग्रेवीज़ की रखना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दीजिएगा जैसे आप अगर आपने एक करोरी साबूदाना लिया है तो यहाँ पर तीन करोरी हम पानी डालेंगे और यहाँ में डाल हैं और हमें डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर और सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए हमने डाल दिए हैं अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से कुक कर लेंगे तो उबाल आने तक इसको हम पका लेंगे तो पाँच मिनट में हमारी रेसिपी बनकर हो जाएगी तैयार तो देखिए हमारे आलू कुक हो चुके हैं अच्छे से कट हो रहे हैं गल गए हैं और क्रिस्पी भी हैं अंदर से सॉफ्ट भी हो गए हैं और क्रिस्प भी आ गया है इसमें क्योंकि हमने इसको फ्राई किया था आलू को तो बस सर्विंग बाउल में हम निकाल लेते हैं सुपर टेस्टी अमेजिंग हमारी रेसिपी बनकर हो गई है तैयार ये रेसिपी आप व्रत में बनाइएगा सबको खिलाइएगा झटपट से बन जाती है बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है व्रत में ज़्यादा काम करने का मन नहीं होता है तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके इंजॉय कर सकते हैं तो देखिए डिलीशियस हम यम 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 हमारी रेसिपी बनकर हो गई है तैयार खाओ पिओ नाचे गाओ मजे करो तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपके लिए वीडियो लेकर मैं आती रहूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सपोर्ट मी बाय बाय एंड टेक केयर